ऑलरेडी डायरेक्टर सर, आप टीचर हैं, टीचर सबसे पूज्य होते हैं, मेरे पिताजी भी टीचर थे और जिस देश में शिक्षक का सम्मान सबसे आगे होगा वही देश आगे बढ़ेगा। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं जिस रूप में हूँ वो जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे इसी रूप में गढ़ा है, तब मैं आपके सामने हूँ। संजीव शर्मा जी, माली साहब, डॉक्टर बीपी सिंह साहब और विवेक जी, यहाँ बैठे सभी टीचर्स और बच्चों, मैं सुन रहा था सारी चीजें। विवेक जी कह रहे थे कि उत्तरांचल में महिलाएं गांव में मिलती और कोई नहीं मिलता। आपको पता होगा कि उत्तरांचल की इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहते थे क्योंकि वहां सारे पुरुष सब सेवा में चले जाते थे, मिलिट्री में, सब जगह से। वहां से मनी ऑर्डर से जो पैसा आता था उसी से उनके घर चलते थे। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि आपने मनी ऑर्डर इकोनॉमी को बिल्कुल चेंज कर दिया है और चेंज हो रही है। तो ये भी इनोवेशन है। ये जो इनोवेशन शब्द है ये ह्यूमन बीइंग पर ही लागू होता है। अन्य जीवों से और ह्यूमन बीइंग में अंतर ही इसी बात का है। आप देखते हैं डिस्कवरी चैनल, आप देखते होंगे कि शेर हमेशा उसी तरीके से शिकार करता है, वो कोई नया तरीका नहीं अपनाता है। चिड़िया का घोंसला हजार साल पहले से जितना था वैसा आज भी बना हुआ है, कोई इनोवेशन हुआ? लेकिन आप देखिए कि आज जैसे हैं हम कल वैसे नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है और इस सुधार की गुंजाइश ही है जिसको हम शब्द देते हैं इनोवेशन, कि उसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, उसको बदलते हैं। और आइडियल क्या है मेरे समझ में कि भगवान ने जो हमें डिजाइन दिया है हमारे शरीर का, ये आइडियल है, इस डिजाइन को हम नहीं बदल सकते और न इतना बढ़िया हम बना सकते हैं। आप सब कुछ करिए, सब टेक्निकल चीजें हैं, बस मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगा कि भगवान ने जो हमें ये डिजाइन दिया है इसको न बिगड़ने दीजिएगा। हमने सब डिजाइन बना लिए और अगर ये डिजाइन खराब हो गया तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे। दुनिया में भारत विश्व गुरु इसीलिए है कि उसने पूरा ध्यान लगाया है कि ये जो डिजाइन है ये न बिगड़े, बाकी तो हम सारे डिजाइन बना। मैं चाहूंगा डायरेक्टर तरफ से कि जो सर आप डिजाइन देंगे पूरे देश को, फिर दुनिया को, उसके साथ साथ आप ये भी मैसेज दीजिए, जिसे मुझे बताया गया था कि सर शायद बैठे हैं आप, कुमार संदोष साहब हैं, हाँ कुमार संदोष साहब, कि वो मॉरल लेसन के लिए भी इनोवेशन का प्रोग्राम दे रहे हैं। और देखिए मैं आपको बता दूं कि विश्व गुरु बनने का केवल और केवल चांस हिंदुस्तान के पास ही है। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूं कि देखिए चाइना ने जब ये पॉलिसी अडॉप्ट की वन चाइल्ड की, उसने ये सोचा कि जनसंख्या ही सारी बुराइयों की जड़ है। ऐसा नहीं है, जनसंख्या ही ह्यूमन रिसोर्स को पैदा करती है, हमें उसको सही रूप में लेना है। उसने ये सोचा कि जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो हमारे जो इकोनॉमिक रिसोर्सेस हैं उनमें बहुत स्कार्सिटी आ जाएगी। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ कि वन चाइल्ड पॉलिसी से उसका सारा सोशल स्ट्रक्चर टूट गया। कैसे? जब केवल एक ही बेटा या एक ही बेटी होनी है तो ना वहां किसी की कोई बहन है, ना कोई किसी का भाई है, ना कोई किसी की मौसी है, ना कोई किसी की बुआ है, सारा रिश्ता ही टूट गया, कोई किसी को क्या कहेगा। और जब उसे अब रियलाइज हुआ कि ये तो पूरा सोशल स्ट्रक्चर ही टूटा टूट गया, तब उसने लोगों से कहा कि नहीं आप दो बच्चे पैदा करिए, तीन बच्चे पैदा करिए, लोग एक ही पे कंफर्टेबल हो गए तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, और आप पढ़ते होंगे कि जो एजेड लोगों की जनसंख्या है वो काफी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हुई इस दिशा में हुआ तो जो डेथ रेट है वो कम हुई और बर्थ रेट उसी तरह रही, तो जो गैप था वो कम हुआ और जनसंख्या जो है वो बढ़ने लगी काफी। तो अभी जब ये कोरोना चला था तो एक शब्द निकला था कि आपदा में भी अपार चुनती है। तो हम वो लोग हैं जो आपदा में भी अपार चुनती खोज लेते हैं, ये हिंदुस्तान ही कर पाएगा। दूसरे अगर आप पॉलिटिकल दृष्टि से भी देखें तो अभी वहां डेमोक्रेसी नहीं है,
और अभी एक झटका चाइना को लगना है, और जब लगेगा तो बहुत नीचे जाएगा, और उसके बाद हम ही हैं जो हम इसे पूरा संभालेंगे। मुझे बहुत गर्व है कि डायरेक्टर सर ने आज मुझे कहा था कि 1000 दिनों में हमने लक्ष्य रखा है कि भारत के किसी भी गांव में एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा, और मैं समझता हूं कि ये सपना जरूर साकार होगा, क्योंकि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये रियलिटी है। और दुनिया बदलने के लिए बहुत लोगों की जरूरत नहीं होती है, अकेला एक इंसान ही पूरा बदल देता है। गांधी जी इसके उदाहरण है। दुनिया में गांधी जी का नाम आज भी है, और शायद ये आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है, जो ग्राम स्वराज्य है, गांधी जी की पुस्तक है, उन्होंने यही सपना देखा था जो शायद अब साकार होने जा रहा था। और उसमें यही है कि गांधी जी भी गुजरात से थे, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से थे, होगी उसमें तो ये। और देखिए, उन्होंने जो इनोवेटिव तरीका खोजा अहिंसात्मक लड़ाई का, वो उसका आज भी जवाब नहीं है। और इसीलिए देखिए, दुनिया का कोई भी नेता आए हिंदुस्तान की धरती पर, तो सबसे पहले वो सिर झुकाने गांधी जी की समाधि पर जाता है। तो ये सारी चीजें हैं।